नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आज सुबह जो एक बहुत दर्दनाक खबर आई कि छात्र संघ अध्यक्ष कालू सिंह भाटी, जो कि जालौर की वीर वीरमदेव पीजी कॉलेज के अध्यक्ष हैं, और उनके देहांत की खबर आई एक सड़क दुर्घटना में, बहुत ही भयावह दुर्घटना में। उनके दो दोस्त और उनकी डेथ हो गई है, और ये एक जो समाचार था बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि एक युवा नेता जो आगे बढ़ रहा था, अपनी पहचान बना रहा था, उसके साथ ये हुआ। अब इसको लेकर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी जो श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की थी सुबह। अब मधु सिंह उदट, जो कि ओम बना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अरविंद सिंह भाटी, जो कि फिलहाल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के कालू सिंह भाटी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है, और कहा है कि जिस तरीके से भी ये जो हुआ है, एक युवा जो अपनी पहचान बना रहा था, जो राजनीति में भी आया था और कहीं ना कहीं एक अच्छी जो दिशा में जा रहा था, उसका असामयिक निधन होना बहुत बड़ी क्षति है। माधु सिंह उदट और अरविंद सिंह भाटी ने बड़े ही भावुक तरीके से ये पोस्ट करी हैं, और इसके अंदर बहुत सी बातें लिखी हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग बड़े चकित हैं, और सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर कालू सिंह भाटी के लिए कि ये जो हुआ है गलत हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इतनी सी उम्र में एक युवा नेता चला जाना, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति, युवा राजनीति, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक छोटी सी उम्र में तीन जो युवा हैं वो चले गए हैं, उनके दो दोस्त भी उनके साथ, उनका निधन हो गया, चार गंभीर घायल हैं, और बहुत ही भयावह दुर्घटना हुई है। मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीर मैंने पहले भी जो न्यूज़ डाली थी उसमें दिखाई थी, लेकिन फिर आपको दिखा देता हूँ। जिसने नहीं देखी है, ये गाड़ी देखिए, पूरे तरीके से पिस चुकी है ये गाड़ी। ट्रेलर के साथ टक्कर हुआ था, और ये कैंपर गाड़ी है, इसमें सात जने कुल सवार थे, तीन की डेथ हो चुकी सुबह जो खबर आई थी, चार गंभीर घायल हैं, और जो घायल हैं भगवान करे वो बच जाएं। बाकी की न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।